गांव पीड़ित परिवार से की टीम ने मुलाकात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए न कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सभी युवा साथियों को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। युवा उत्सव 3.0 राइजिंग भारत 2047 के इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है, इसलिए आयोजकों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा भारत के भविष्य को लेकर यह आयोजन अपने आप में अभिनव है। इस शानदार आयोजन के लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके साथ जुड़ी युवाओं की संस्था यंग इंडियंस हमेशा से ही हमारे देश प्रदेश में औद्योगिक नीतियों के सुचारू संचालन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत काम करती रही है। मैं आपके इस आयोजन को लेकर इसलिए भी ज्यादा अभिभूत हूं क्योंकि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 की थीम को ही अपने आयोजन की थीम बनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को ही अपने माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास आप सब कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे युवाओं को हमेशा कहते हैं युवा जॉब गिवर बने न कि जॉब सीकर। मुझे पता चला है कि आप इस आयोजन के दौरान आपके अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सीआईआई और यंग इंडियंस के द्वारा हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी को युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उधर राजधानी में कुछ दिन पहले नवीन सत्र के पाठ्य पुस्तक रद्दी में मिलने की घटना सामने आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्शन लेते हुए पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा पुस्तक को लापरवाही पूर्वक रद्दी बनाने की घटना पर तत्काल संज्ञान लिया है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। जीरो टॉलरेंस को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से हमारी सरकार काम कर रही है। सुशासन की सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशासन के ध्येय से भ्रष्टाचार के सभी अवसर को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिथिलता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी बख्शा नहीं। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिली स्वीकृति का स्वागत करता हूं। निश्चित ही इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीएम मंत्री के सीएम
विष्णुदेव साय ने जो है इनमें कहा है कि जिस तरीके से जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान सामने आया है, मैं एक देश और एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिली स्वीकृति का स्वागत करता हूं। निश्चित ही इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक देश एक चुनाव के इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा। यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को महान लोकतंत्र बनाने के दिशा में भी एक निर्णायक कदम होगा। मोदी जी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति के सिफारिशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है और एक देश एक चुनाव इस निर्णय से देश को बहुत लाभ होगा। इसके नहीं होने से साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता था जिससे समय की भी बर्बादी होती थी, पैसे की भी बर्बादी होती थी और आचार संहिता वगैरह लगे रहता था तो विकास काम भी अवरुद्ध होता था। लेकिन अब एक देश एक चुनाव ये लागू हो जाने से निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ होगा, जिसमें समय का भी बचत होगा, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और विकास भी लगातार चलेगा। मैं पुनः इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जगमगाई खिड़की से झनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसो दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई, खुशियों की चाबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद आज सुबह रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। राजधानी रायपुर पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव सबसे पहले राजधानी रायपुर वीआईपी रोड स्थित भगवान राम मंदिर दर्शन पूजन करने पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
उधर मिनीमाता स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। संभाग स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों का चयन राज्य प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिनमें गगन लक्ष्मी, तनीश राठौर, तनिषा आदि छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य भोजेंद्र, संरक्षक दुष्यंत शर्मा, कल्याण शिक्षण समिति के सचिव गिरीश शर्मा, कोषाध्यक्ष केशव कुर्रे, उपाध्यक्ष विकास डालमिया सहित सभी कल्याण शिक्षण समिति के पदाधिकारी ने छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि छात्र राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। चयनित खिलाड़ी स्कूल और जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में विजयी होंगे। साथ ही खिलाड़ियों के नेतृत्व कर रहे कोच गोपाल दास महत को बहुत बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 21 सितंबर से 24 सितंबर तक किया जाएगा। उधर कवर्धा हादसे में कांग्रेस ने 5 सदस्य जांच कमेटी बनाई है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूरा जांच दल है, पुलिस की टीम है और कांग्रेस और अगर टीम बनाना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है बनाए। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि केवल सरकार या पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों पर मदद नहीं कर सकती है, इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा और इस तरीके से नियंत्रण के लिए रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास कम हो उसके लिए हम बस्तर क्षेत्र में निचले अमले तक जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जानकारी दी जा रही है ताकि वो स्वास्थ्य के प्रति किसी भी समस्या के लिए अंधविश्वास पर यकीन न करें। हमारे पास जांच करने के लिए हमारी पूरा प्रशासनिक टीम है, पुलिस का अमला है, उस पर जांच से तथ्य आएंगे और कांग्रेस अपना जांच टीम बनाई है या बनाना चाह रही है तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तथ्य हो सामने आए। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के घटनाओं को कोई भी सरकार हो, केवल सरकार के माध्यम से हम नहीं समाप्त कर सकते, समाज में इसके लिए जागरूकता लाना होगा। और इसी को देखते हुए हम हेल्थ के सेक्टर में बस्तर क्षेत्र में नीचे से नीचे तक पहुंच रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो समाप्त हों, लोगों में जो अंधविश्वास है, लोगों में जो जादू टोना के प्रति आज भी हमारे इस विकसित और डेवलप जो समाज में इस प्रकार की जो बातें हैं वो समाप्त होना चाहिए। वो हर से अपील है, आपसे भी अपील है, आम जनता से भी अपील है, बुद्धिजीवियों से अपील है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इसको चिंता करते हुए समाज के लोगों को इन सब अंधविश्वास और जादू टोना और कुरीतियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करें। उधर साल के आखिरी महीने में उपचुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस ने दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए 9 सदस्य कमेटी गठित की है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग हमेशा टीम गठित करते हैं, विधानसभा में भी किए थे, लोकसभा में भी किया, टीम गठित करते रह जाते हैं, लेकिन नतीजा आप सभी के सामने है। उनके काम का जवाब जनता इन्हें दे चुकी है, अब ये कुछ भी कर लें जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। चुनाव आयोग तय करेंगे कब चुनाव होगा, परंतु जब भी चुनाव होंगे हम चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव का निर्णय हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है वहां तय होता है। क्योंकि जब कोई मजबूत पार्टी होता है तो कई व्यक्ति जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, हमारा हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की योग्य है और उसका जो कैंडिडेट को तय करने का काम केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। उधर प्रभारी मंत्री और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और उपकरण देकर लाभान्वित किया है। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, कलेक्टर विनय लंगे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां रख रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
जगमगाई, खिड़की से छनकर हवा सरसराई, आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई, भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई, चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई, धीमी महक फिर रसोई से आई, हर एक दौलत मेरे साथ आई, खुशियों की चाबी मेरे हाथ 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 आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी, छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दाल भात केंद्र का शुभारंभ होने पर कांग्रेस को निश्चित रूप से आपत्ति होगी, क्योंकि पिछली सरकार में घर घर में शराब की सप्लाई होती थी और शराब घोटाला होता था। पिछली सरकार की योजना थी कि घर घर शराब पहुंचे, और हमारी योजना है कि हर गरीब को दाल भात मिले, हर गरीब भोजन कर सके। 5 रुपए में भोजन अगर कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है, इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का शराब घोटाला करने वाली सरकार आज दाल भात गरीबों को मिल रहा है, इस पर टिप्पणी कर रही है। उनको आपत्ति आएगी ही, क्योंकि गरीबों को 5 रुपए में दाल भात मिल रहा है, इससे उनको आपत्ति है, क्योंकि उनकी सरकार की योजनाएं थी कि हर घर पे दाल भात नहीं, खाने की चीजें नहीं, जो शराब हर घर पर पहुंचे, हर व्यक्ति को मिले, ये उनकी योजना थी, और दाल भात सबको मिले, ये हमारी योजना है। मुझे लगता है वैचारिक रूप से, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वैचारिक रूप से ही कांग्रेस समाप्त हो गई है। किसी भी सरकार की कुछ अच्छी योजनाएं रहती हैं तो उस पर अच्छी बात करनी चाहिए। यदि दाल भात केंद्र खुल रहा है, 5 रुपए में श्रमिकों को, गरीबों को यदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो उसको तारीफ नहीं कर सकते, तो कम से कम शांत रहना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। ये लोग हर गली में, हर घर में दारू किस तरीके से पहुंचे, अवैध दारू का धंधा करने वाले लोग आज एक अच्छी योजना पर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या। उधर भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देश्य एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने हरी झंडी दिखाकर किया है। भिलाई दुर्ग वासियों के लिए ये एम्बुलेंस मात्र 100 रुपए में मरीज को अस्पताल और घर लाने ले जाने की सेवा प्रदान करेगी। विधायक राकेश हुसैन ने बताया कि फिलहाल एक एम्बुलेंस वैशाली नगर निवासियों को समर्पित की जा रही है, और जल्द ही 3 से 4 एम्बुलेंस क्षेत्र में इसी तरह रियायती दर पर अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने बताया कि शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। गौरतलब हो कि मरीजों की जरूरत को देखते हुए समाजसेवी संस्थान जीवरानी देवी वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में ये एम्बुलेंस सेवा संचालित होगी। मौके पर उपस्थित डॉक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि मृत शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। जरूरतमंद और QR कोड और बैंक के माध्यम से 100 रुपए का शुल्क ऑनलाइन दे सकेंगे। उधर महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दूरस्थ और उड़ीसा सीमा से लगे ग्राम अंकोरी में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर विनय लंगे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में अंकोरी सहित जो है आसपास के कई गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग को और समस्याओं को लेकर जो है पहुंचे, जहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही समस्याओं को लेकर मिलने वाले आवेदन का निराकरण भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को सुपोषण का शपथ भी जो है दिलाया, और जिला स्तरीय इस शिविर में कुल 323 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 149 आवेदन मौके पर ही निराकरण किया गया। अन्य आवेदन मांग और शिकायत संबंधी होने की वजह से आवेदन पर परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारा समस्या निवारण शिविर है, उसका आयोजन आज विकासखंड बसना के ग्राम पंचायत अंकोरी में किया गया है। 240 से अधिक हमें यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए हैं, और अभी भी निरंतर यहाँ पे आवेदन आए जा रहे हैं, इन सभी का पंजीयन हो रहा है। बेसिकली राजस्व संबंधी
अपना जल जीवन मिशन संबंधित महतारी वंदन योजना के संबंध में और विभिन्न प्रकार की शिकायतें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं और सभी अधिकारियों को यही निर्देश है कि सभी आवेदकों का जो मोबाइल नंबर है अपने उनके जो आवेदन है उन पर लिखवाएं और उसका गुणवत्ता के साथ इसे निराकरण करें और हर सप्ताह जो भी गुणवत्ता पूर्व जो निराकरण किया गया उसकी तिथि से संबंधित हितग्राही को भी अवगत कराना है और काफी अच्छा रिस्पांस है, काफी अच्छी भीड़ में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे समस्त हमारे जनप्रतिनिधि प्लस हमारे मीडिया के साथ भी यहाँ उपस्थित हुए और काफी अच्छा आयोजन है। दूसरा चीज है जी जी जो शासन के निर्देश है प्रयास यही है कि प्रति माह मिनिमम 2 शिविर का आयोजन करना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो दूरस्थ हमारे जो ग्राम पंचायत है जो बॉर्डर के साथ है वहाँ पे सबसे पहले शिविर का आयोजन किए और नेक्स्ट शिविर हमारा पिथौरा जो हमारे विकासखंड है वहाँ पे उसका आयोजन होगा और उसके बाद फिर महासमंद में होगा और ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। देखिए इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो हमारी अवैध शराब है उसकी बिक्री पे पूरा रोक लगाना है। हमारे पास भी जानकारी जो है मीडिया के माध्यम से प्लस अन्य स्रोतों से आती रहती है और रिसेंटली कुछ कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है, परंतु पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए हमारा प्रशासन तो उसमें काम करेगा ही, परंतु मुझे आप सभी का भी सहयोग इसमें चाहिए होगा। मेरे पास आज ही आप मेरे संज्ञान में आए आपके माध्यम से इसके बच्चे नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रशासन के जितने डिपार्टमेंट है चाहे जिला कलेक्टर है चाहे जनपद सीओ है चाहे तहसीलदार है सभी के ऑफिस जो होते हैं वो अभी हमारे जितने भी आम जन की समस्या को सुनने के लिए होते हैं, तो प्रयास परंतु यही रहना चाहिए कि जो तहसील स्तर की शिकायत है उनका निराकरण तहसील स्तर पे हो जाए, जो ग्राम पंचायत स्तर की शिकायत है उनका निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पे हो जाए, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें हम। उधर बुधवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर विलास भोसकर ने पिछले सप्ताह हुई कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में कहा कि विभागों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत संज्ञान में लाए जिससे तुरंत जो है निराकरण किया जा सके और निर्बाध रूप से जनकल्याण के कार्य संचालित हो सके और जिले में प्रगति हो। बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष निर्देश देते हुए कहा कि शासक शासन की मंशानुरूप आवास योजना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर अंबिकापुर कलेक्टर विलास भोसकर की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला जल और स्वच्छता मिशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और इसके साथ ही प्रगतिरत कार्यों के समय वृद्धि प्रकरणों की स्वीकृति और जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्माण कार्यों के प्रस्तावित भुगतान के अनुमोदन पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में कलेक्टर भोसकर ने कहा कि सतही जल के अधिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए अगले प्रस्ताव तैयार किए जाए जिससे भूमिगत जल की बजाय सतह पर उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग किया जा सके। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने फर्जी तरीके से अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया जिस पर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बिजाडीह गांव की रहने वाली कुंदरी नाम की महिला को मनोज यादव और उनकी पत्नी गीता यादव झूठ बोलकर कुसमी स्थित रजिस्ट्री कार्यालय लेकर गए और फर्जी अंगूठा दस्तावेज पर लगवा लिया। इस घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब बुजुर्ग महिला के परिजनों को इसकी जानकारी मिली और फिर उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत भी की। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीजाडी की एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है जो थोड़ा बोलने सुनने समझने में अक्षम है। उसको आधार कार्ड बनवाने के नाम पर कुसमी ले जाकर उसके 1 एकड़ 72 डिसमिल जमीन को घर खेत और जो बाड़ी है सभी को अपने नाम पे करवा लिए हैं। इसमें 2 जने हैं पति पत्नी मनोज कुमार यादव और गीता। मनोज अपने पत्नी गीता के नाम पे पूरी जमीन को रजिस्ट्री कराया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।